नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश। आप देख रहे हैं इंडियन टेक्नो माइंड चैनल को। दोस्तों, ऑनर प्ले लॉन्च हुआ था अगस्त में, और जो 4 GB रैम और 64 GB वेरियंट था, इसका प्राइस रखा गया था 20,000 रुपया। अब इस फ़ोन का प्राइस कम हो गया है दोस्तों, और अभी ये फ़ोन मिल रहा है आपको 16,000 में। और इस फ़ोन को अगर आप लेते हैं ऑनर के साइड से, तो इसमें आपको 1,000 की डिस्काउंट और मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये फ़ोन आएगा आपको 15,000 में। अगर आप सोच रहे हैं कि 15,000 में कोई फ़ोन लेना चाहिए, तो फिलहाल अभी इंडिया मार्केट में सबसे बेस्ट फ़ोन ये बिल्कुल आपका ज़रूर है। और इस फ़ोन का मेन हाईलाइटेड फीचर आप कह सकते हैं कि इसका है प्रोसेसर, जो कि काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। तो बात करते हैं कि आज के समय में अगर आपको 15,000 में कोई फ़ोन लेना है, तो ये आपको बेस्ट रहेगा या क्या रहेगा। और एक फ़ोन लॉन्च हुआ है चाइना में, जो कि लेनोवो Z5S के नाम से, इसकी भी प्राइस आपको 15,000 के अंदर ही देखने को मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में इन दोनों फ़ोन का मैं कंपेरिजन करूँगा, आपका लेनोवो Z5S का और ऑनर प्ले का, और बताऊँगा कि दोनों में से कौन सा फ़ोन बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि ऑनर प्ले के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ, कैसा उसका कैमरा है, क्या आपको लेनोवो Z5S का वेट करना चाहिए या लेना चाहिए आपको ऑनर का प्ले। तो आप लोग वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और देखते हैं कि दोनों में से कौन सा फोन बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे दोनों फोन की डिजाइन और डिस्प्ले की। तो ऑनर प्ले में आपको बैक साइड में देखने को मिलेगा पूरा मेटल बॉडी, और वहीं लेनोवो Z5S में आपको देखने को मिलेगा बैक साइड में ग्लास प्रीमियम लुक। दोनों ही फोन का आपको डिजाइन काफी अच्छा देखने को बिल्कुल मिल जाएगा। बात करते हैं दोनों फोन की डिस्प्ले की। तो दोनों ही फोन का आपका 6.3 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले रहेगा, और दोनों ही फोन का जो रेशियो रहेगा 19.59 एक्सेप्ट रेशियो देखने को मिल जाएगा। ऑनर प्ले में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, जबकि लेनोवो Z5S में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। लेकिन कौन सा ग्लास यूज किया गया इसके बारे में अभी खुलासा नहीं हुआ है। वहीं ऑनर प्ले में आपको सिंपल सनोस देखने को मिलेगा, जबकि वाटर ड्रॉप कनोस देखने को मिलेगा लेनोवो Z5S में। बात करते हैं दोनों फोन की कैमरा की। तो लेनोवो Z5S में आपको ट्रिपल रियर कैमरा बैक साइड में देखने को मिलेगा, जो कि पहला रहेगा कैमरा 16 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर 1.8 रहेगा। दूसरा जो कैमरा रहेगा आपका 8 मेगापिक्सल का रहेगा, जिसका अपर्चर 2.4 रहेगा। और जो तीसरा कैमरा रहेगा आपका 5 मेगापिक्सल का रहेगा, जो कि टेलीफोटो जूम के लिए रहेगा, जो कि पोर्ट्रेट मोड में पिक्चर लेने के लिए काफी हेल्प करेगा। ऑनर प्ले में आपको देखने को मिलेगा 16+2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, और जो 16 मेगापिक्सल का कैमरा रहेगा उसमें आपको 2.2 का अपर्चर देखने को मिल जाएगा। तो कह सकते हैं कि लो लाइट में आपका कैमरा अच्छा देखने को नहीं मिलेगा बिल्कुल ऑनर के प्ले में, क्योंकि एक मेरा दोस्त लिया है, बोलता है कि इस फोन का कैमरा लो लाइट में अच्छा देखने को नहीं मिलता है। वहीं बात करते हैं लेनोवो Z5S में, तो इसमें आपको काफी अच्छा कैमरा देखने को मिल जाएगा बैक साइड में। फ्रंट साइड में कैमरा की बात करें, तो दोनों ही फोन में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा, और दोनों फोन का जो अपर्चर रहेगा 2.0 रहेगा। तो कह सकते हैं कि फ्रंट कैमरा दोनों फोन का लगभग सेम कहा जाएगा। अब बात करते हैं दोनों फोन की प्रोसेसर की। तो लेनोवो Z5S में आपको मिलेगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर, जो कि इस फोन में आपको जीपीयू देखने को मिलेगा एड्रेनो का 616 GPU। बात करते हैं ऑनर प्ले की प्रोसेसर की, तो इसमें आपको मिलेगा किरिन का 970 प्रोसेसर, जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जिसका जीपीयू रहेगा माली का G72 GPU देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं कि दोनों फोन में कौन सा फोन का प्रोसेसर अच्छा रहेगा, तो दोनों ही फोन का काफी धांसू प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादा पावरफुल आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा ऑनर प्ले का, क्योंकि काफी वो पावरफुल प्रोसेसर है, जो कि फ्लैगशिप प्रोसेसर है, बहुत ही जबरदस्त उसमें आपको फीचर देखने को मिलेगा, AI फीचर बहुत ही उसमें आपको ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। तो प्रोसेसर में यहाँ पे विनर रहेगा ऑनर प्ले। बात करते हैं दोनों फोन की रैम और स्टोरेज की। तो लेनोवो Z5S में आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे। पहला जो वेरिएंट रहेगा आपका 4 GB रैम 64 GB मेमोरी, दूसरा जो वेरिएंट रहेगा 6 GB रैम 64 GB मेमोरी, और तीसरा जो वेरिएंट रहेगा आपका 6 GB रैम और 128 GB मेमोरी। वहीं बात करते हैं ऑनर प्ले की, तो इस फोन में आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलेंगे। पहला जो वेरिएंट रहेगा आपका 4 GB रैम 64 GB मेमोरी, और दूसरा जो वेरिएंट रहेगा आपका 6 GB रैम 64 GB मेमोरी। बात करते हैं दोनों फोन की ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS की। तो दोनों ही फोन एंड्रॉइड ओरियो पर चलेंगे, और दोनों फोन की बैटरी की बात करें, तो लेनोवो Z5S में आपको देखने को मिलेगा 3300 mAh की बैटरी। इसमें आपको USB टाइप सी प्लस फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करते हैं ऑनर प्ले में, तो इसमें आपको मिलेगा 3750 mAh की बैटरी। इस फोन में भी आपको USB टाइप सी का सपोर्ट देखने को मिलेगा। दोनों ही फोन को आपको बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेंगे। अब मेन बात करते हैं दोनों फोन की प्राइस की। तो दोस्तों, लेनोवो Z5S है जो अभी चाइना में लॉन्च हुआ है, उसके अनुसार से अगर इंडिया की प्राइस की बात किया जाए, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा पहला जो वेरिएंट है 4 GB रैम 64 GB मेमोरी, इसका प्राइस है 14,400, और जो दूसरा वेरिएंट है 6 GB रैम और 64 GB मेमोरी, उसका प्राइस रखा गया 16,400, और जो तीसरा वेरिएंट है 6 GB रैम और 128 GB मेमोरी, इसका प्राइस रखा गया 19,500। बात करते हैं ऑनर प्ले की प्राइस की। तो जो पहला वेरिएंट है 4 GB रैम 64 GB मेमोरी, इसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा 15,999 रुपया, जो कि जिस टाइम लॉन्च हुआ था उस समय इस फोन का प्राइस आपको 20,000 रुपये रखा गया था। वहीं बात करते हैं इसके सेकंड वेरिएंट की, जो 6 GB रैम 64 GB मेमोरी है, इसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा 19,999 रुपया, जो कि उस समय भी जब ये लॉन्च हुआ था उसका प्राइस इस समय था 23,999 रुपया। तो इस पर भी काफ़ी अच्छा आपको डिस्काउंट मिल रहा है, अमेजोन पे आप जाके ले सकते हैं। ऑनर के साइड से अगर आप फोन लीजिएगा, तो 4 GB रैम 64 GB मेमोरी है, इसका प्राइस अभी आपको 15,000 में पड़ जाएगा। तो काफ़ी अच्छा आपको फोन रहेगा, ऑनर प्ले आप ले सकते हैं। लेकिन बात करते हैं कि दोस्तों, अगर ओवरऑल पैकेज चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आराम से लेनोवो Z5S के लिए वेट कर सकते हैं। अगर ये फोन इंडिया में आया तो काफ़ी अच्छा आपको फोन रहेगा दोस्तों। कहीं बात करते हैं, मान लीजिए अगर आप सोचते हैं
कि मुझे सिर्फ गेमिंग के लिए फोन लेना है, तो आप आंख बंद करके फोन ले सकते हैं। ऑनर प्ले काफी धांसू फोन है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मुझे कैमरा अच्छा चाहिए, बैटरी भी सही चाहिए, प्रोसेसर भी अच्छा चाहिए, ओवरऑल पैकेज चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा कि ये फोन आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आप लोग धोखा मत खाइएगा। वैसे आप लोग कमेंट कर जरूर बताइए कि दोनों में से फोन आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, जरूर बताइएगा। बात करते हैं Lenovo Z5s इंडिया में कब तक आ सकता है, तो दोस्तों इसका भी कोई क्लियर नहीं है, लेकिन दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये फोन जल्दी इंडिया में देखने को मिलेगा। और आएगा दोस्तों काफी कमाल मचाएगा, ये तो आप भी जानते हैं, बहुत ही धमाकेदार फोन ये होगा, बिल्कुल आएगा जब इंडिया में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।